चलिए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का? तो इसका सही उत्तर है वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत हिम जमा आलय, हिम बर्फ को कहते हैं, आलय स्थान, पर्वतराज भी कहा जाता है इसको, पर्वतों का राजा। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमाओं को टच करता है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। इसमें से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगतेज आदि महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, बंगाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। भारत में मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है यह है। और बोनाई, केंदुझर ये महत्वपूर्ण खाने हैं जहां पर ये उत्पादन किया जाता है। और दूसरा जो राज्य है महत्वपूर्ण वो है मध्य प्रदेश, जो कि बालाघाट जिले में इसकी खाने हैं। तो पहले स्थान पर उड़ीसा हो गया और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? ऑप्शन देख लीजिए, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट नोबेल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो यह प्रथम महिला राज्यपाल, आता है ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में, प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार, सहारा, गोभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सहारा। सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह कई राज्यों, कई देशों में जैसे माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र के कई देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय बोल रहे हैं यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग्स, सी राम गोपालाचारी, मोहन राव कदम, हिमांशु देवदत्त? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल है और अगर भारतीय कहें तो प्रथम गवर्नर जनरल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो इसका प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत।